बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं जुहेब सलीम। आप देख रहे हैं अपना चैनल एबीएस न्यूज। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच चल रहा है। आपको पता है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डिफिकल्ट मार्का है ये कि हम जो है वो 316 के मार्जिन से ये मैच जीते हैं तो फिर हम सेमीफाइनल के लिए जाते हैं। खैर, हमारी लास्ट वीडियो जब रिकॉर्ड हुई थी तो उस वक्त हम मेंशन भी किया था और आप उस पर डेट भी देख सकते हैं कि जिस दिन इंग्लैंड और इंडिया का मैच था उस दिन वो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे और उसी रात को हमने वो अपलोड किया। तो मैं उस दिन भी आपके साथ यही बात शेयर कर रहा था कि पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। 92 के वर्ल्ड कप के साथ इस वर्ल्ड कप को कंपैरिजन किया गया था, लेकिन मैंने आपके सामने बड़ी डिटेल में रखा उस वीडियो में कि क्या डिफरेंस है उस टीम का, इस टीम का। बहरहाल देखें, अभी भी वर्ल्ड कप, अगर आज भी अभी मैच चल रहा है तो अभी भी वर्ल्ड कप हमारे हाथ से नहीं गया। अभी भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया 450 स्कोर वनडे में कर चुके हैं इससे पहले, और उस वक्त फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये नहीं है, ये रूल नहीं था जो इस वक्त है। इस वक्त तो आप फील्डर बाहर नहीं रख सकते। उस वक्त सिर्फ 15-20 ओवर्स तक आप फील्डर अंदर रखते थे, बाकी फील्डर बाहर चले जाते थे। उसके बावजूद उन्होंने 450 स्कोर किया हुआ वनडे में। तो आज तो फील्डर्स जो हैं वो अंदर हैं, आप चार फील्डर्स ज़्यादा रख नहीं सकते 20 ओवरों के बाद। तो अभी भी अगर पाकिस्तानी टीम स्ट्रांगली खेले, अभी भी अगर हमारे ओपनर्स जो हैं वो स्ट्रांगली इसको खेलें, आज के मैच को अपना जो माइंड है उसको बनाएं, मेकअप करें और ये सोचें कि हमने 500 करना है, तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है दुनिया में, ये कर सकते हैं अगर ये हिम्मत ना हारें, अगर एफर्ट करें और फील करें कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, और आगे बढ़ें और टेकअप करें इस मिशन को और लेकर चलें। बहरहाल बेस्ट विशेज है पाकिस्तानी टीम के लिए। अगर हम आज नहीं भी कर पाते, कम अज कम में अच्छे मार्जिन से ही मैच जीतना चाहिए। वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी टीम के साथ प्रॉब्लम्स रही हैं वो था पहला मैच। पहले मैच में ये लोग अंडर प्रेशर आ गए, और असल में होता ही है पाकिस्तानी टीम के साथ, जो हमारी रिसर्च है इस पर और आप खुद भी देख लीजिएगा, आई एम श्योर कि आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते होंगे। जब पाकिस्तानी टीम ऊपर से आउट हो जाती है, ऊपर से 3-4 बैट्समैन हमारे आउट हो जाते हैं, तो बाद में पूरी टीम अंडर प्रेशर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के साथ भी अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जो बड़ी टीमें हैं, इवन इंडिया भी, बहुत सारे मैचेस में देखा गया कि उनके भी ऊपर से 3 जल्दी आउट हुए हैं, लेकिन उनके बाद में कोई ना कोई ऐसा बैट्समैन नीचे ज़रूर होता है जो नीचे आकर एक फाइन इनिंग खेलता है और टीम को एक बड़ा स्कोर दे देता है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारे मिडिल ऑर्डर में आ रही है। हमारे मिडिल ऑर्डर में इंजमाम जैसा, मोहम्मद यूसुफ जैसा, मिसबा जैसा एक प्लेयर की ज़रूरत है, एक बड़े प्लेयर की ज़रूरत है जो यहाँ पर आकर मिडिल ऑर्डर में मैच को उठाए और एक बड़ा स्कोर करे। तो वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में हम मिडिल ऑर्डर में की वजह से हारे हैं, क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो गए थे और सारा प्रेशर आ गया था नीचे, और निचले बैट्समैन जो हैं वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर थे, वो नहीं खेल सके। पुल शॉट्स के ऊपर सारी टीम आउट हुई है, लैक ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको, इसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी कह सकते हैं। पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर हो जाती है, जब एकदम से प्रेशर आता है तो टीम उसको हैंडल नहीं कर पाती, घबरा जाते हैं और डर डर के आउट हुए हैं पाकिस्तानी टीम पहले मैच में। वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में हमने बहुत कम स्कोर किया और वेस्ट इंडीज़ ने उसको जल्दी चेस कर लिया। दैट वॉज द रीज़न जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड कप में हमारी रन रेट डाउन है, और अब ये आज मौका आया हुआ है कि हम बांग्लादेश से 316 के मार्जिन से जीते हैं तो फिर हम आगे जाएंगे। बहरहाल अभी भी बेस्ट विशेज हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, बिकॉज वी आर पाकिस्तानी, वी लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तानी टीम, इसलिए हम ये क्रिटिसिज्म करते हैं, इसलिए हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हम पाकिस्तानी टीम की ये बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट में बेहतरी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।